बहुत सारे स्टाफ को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये लेडीज लोग मिलके चलाएंगे स्टेशन। फ्लड आ गया था बॉम्बे में और 28-29 को काफ़ी पानी भरा हुआ था और मेरे माटुंगा में भी पूरा पानी भर गया था, तो गाड़ियाँ सभी रुक गई थी, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी गाड़ियाँ थी, तो स्टाफ को और पब्लिक को मैंने खाना और पानी प्रोवाइड किया था या जो बीमार है उनको हॉस्पिटल भेजा था। प्लस ऑफिस में भी पानी था तो मशीन्स वगैरह बंद करना है, स्टाफ को पानी मतलब खाना वगैरह अरेंज करना था, प्लस क्लीनिनेस, क्योंकि खाना खाने के बाद जो स्टेशन गंदा हुआ था पब्लिक के, तो वो सब क्लीन करवाना, फिर क्लाइंब करके गाड़ियों को निकाला था मैंने रात को। तो रात को मेरे यहाँ से एक गाड़ी निकली थी जो साइन पहुँची थी और आगे ज़्यादा पानी भरने की वजह से वो साइन में अटकी थी गाड़ी के। स्टार्टिंग में वो चैलेंज लगते थे लेकिन 25 इयर्स काम करने के बाद अभी वो नॉर्मल लगता है मुझे। बारिश में गाड़ियाँ रुक जाती है, पानी भर जाता है और उस टाइम हमको ट्रेन मूवमेंट्स करना है, प्लस पब्लिक को पानी या खाना वो सब प्रोवाइड करना है। अदर मैनेजमेंट जैसे ऑफिस में मेरे पानी भर गया था अभी जून में जब बारिश हुई थी, तो नहीं अगस्त में, तो मुझे सभी जो मशीन्स थे उनके बटन स्विच ऑफ करने पड़े। तो इस तरह से एज अ मैनेजमेंट कर करके अभी आदत में हो गया, जैसे कोई आदमी गिर गया तो इमीजिएट हॉस्पिटल भेजना, अगर वो जिंदा है तो इवन डेड बॉडी वगैरह भी उनको ये करना, वो सब एक नया वर्क है लेडीज़ के लिए। तो करते करते अभी 25 ईयर से ये काम कर रही हूँ तो वो नॉर्मल लगता है अभी। मैं डेली अभी माटुंगा में आने के बाद 4:30 को उठती हूँ और उसके बाद उनका चाय नाश्ता, बच्चों को उठाना, फिर वो जब नहा के आते तो उनकी चोटी भी बनाती हूँ, छोटी बेटी की, क्योंकि वो लोग भी स्कूल जाते हैं। फिर हस्बैंड वगैरह सब मेरे पीछे पीछे, हस्बैंड भी हाफ एन आवर में निकलते हैं, तो सुबह एकदम भागम भाग वाला काम रहता है। इसके पहले मुझे सबसे पहले खुला कैबिन में रखा था, खुला सेंटर में, जहाँ से गाड़ियों को सिग्नल देते हैं, वहाँ को पूरा मैनेजमेंट ट्रेन ऑपरेशन का रहता है, किस प्लेटफॉर्म पे लेना है, डाइवर्ट करने से, और वो सब सिग्नल मूवमेंट रहता है उसका। यहाँ पे मैं 5th of June आई 2017 में, ये लेडी स्टेशन हमारे जीएम सर ने बनाया था, मिस्टर डीके शर्मा, तो मुझे यहाँ पे पोस्टिंग दी और उसके 5th June को मैं यहाँ से काम शुरू किया। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत सारे स्टाफ को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये लेडीज़ लोग मिलके चलाएंगे स्टेशन, तो हमने एक ये काम करके दिखाया कि लेडीज़ काम कर सकते हैं, कम मत नापो।